हेलो स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है, क्योंकि मैं पीएचडी से रिलेटेड अपडेट लेके आते रहता हूँ। जैसे मैंने फ़िलहाल में कई यूनिवर्सिटियों के पीएचडी के नोटिफिकेशन पर मैंने फुल टाइम वीडियो बनाया है। तो अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आप यहाँ से हर अपडेट आपको मिलता रहेगा। यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी और जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस की संस्थान है, मैं उस पर पीएचडी के से रिलेटेड अपडेट लेके आता रहता हूँ। तो अगर पीएचडी आपका अगर करना चाहते हैं तो आप यूनिवर्सिटी न्यूज को सब्सक्राइब कर ले जरूर और शेयर करें, और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आपको तुरंत मिले। तो चलिए चलते हैं न्यू नोटिफिकेशन पर और दिखाते हैं आपको पूरा डिटेल्स। हेलो स्टूडेंट, वादे के मुताबिक मैं एक नया अपडेट लेके सामने आपके आ गया हूँ। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, पीएचडी से जुलाई सेशन के लिए निकला हुआ यहाँ पे विथ फेलोशिप के साथ, तो इसी के बारे में डिटेल्स में बताएंगे। और देखिए, ये है, नाम है इसका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, सिद्धपुर है यहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। यहाँ पे पीएचडी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो इसी के बारे में आपको पूरा डाल दीजिए। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो आपके पास जो नेट JRF जो है या CSIR कोई भी हो, UGC नेट, DBT कोई भी, यहाँ पे आपको इंस्पायर फेलोशिप है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इस पर लिखा है एप्लीकेशन आर इनवाइट टू द PhD प्रोग्राम इंस्टीट्यूट फेलोशिप इंडस्ट्रियल फेलोशिप CSIR UGC DBT ICMR इंस्पायर स्पॉन्सर रिसर्च प्रोजेक्ट कैंडिडेट कैटेगरी एट द इंस्टीट्यूट जुलाई सर्किल 2024 डिसिप्लिन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी साइंस आर्किटेक्चर टाउन रीजनल प्लानिंग एंड ह्यूमनिटी एंड सोशल साइंस एडमिशन टू ए कैंडिडेट इन द रिजर्व कैटेगरी विल बी डन एज पर द नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार। एप्लीकेशन आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। और जो फिल एप्लीकेशन फ़ी की बात है, तो आप अगर रिजर्व कैटेगरी ऑन रिजर्व कैटेगरी है, ओपन में जिसे बोलते हैं, ओपन कैटेगरी में है या OBC में है, OBC में है और नॉन क्लियर और EWS में है, तो आपको देना होगा ₹1500 यहाँ पे लगेगा आपको। अगर आप इस कैटेगरी में हैं, कैटेगरी में जैसे कि SC और ST में है, तो आपको यहाँ पे ₹1000 देना होगा। एप्लीकेशन फ़ी क्लियर होगा, अप्लाई करना होगा ऑनलाइन और पे करना होगा आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी। ये है कैंडिडेट MTech होना चाहिए, रिलेवेंट सब्जेक्ट में आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए, ये यही है यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर दिया है। तो सिलेक्टेड कैंडिडेट बेस पर स्क्रीनिंग किया जाएगा, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा यहाँ पे। यही सब है। स्पॉन्सर यहाँ पे क्या है, कैटेगरी दिया है रेगुलर स्पॉन्सर, और मैक्सिमम एज भी लिमिट दे दिया है यहाँ पे। तो एज देख लीजिए यहाँ पे, एज जो है वो इंस्टीट्यूशन फेलोशिप जो है एप्लीकेशन और लास्ट डेट रिसीविंग किया जाएगा, और ओपन में आपको 30 साल एज चाहिए अगर आप रिजर्व हैं तो। अगर SC ST और कैटेगरी है PWD तो 35 साल होगा, और OBC के लिए 33 ईयर्स रहेगा। यहाँ पे एज में छूट मिलेगा आपको। इंडिविजुअल फेलोशिप भी है तो अप्लाई कर सकते हैं, स्पॉन्सर भी है तो अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। इसको पूरा डिटेल्स दिया है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपको दे देता हूँ। पेमेंट करना है आपको, ब्रांचेज में जाकर करना है यहाँ पर डाउनलोड करके और अप्लाई करना है यहाँ पर। प्लीज नोट दैट द कैंडिडेट मस्ट बी CGPA इंस्टीट्यूशन होगा, कैंडिडेट ये सब होगा, और अप्लाई कर सकते हैं आप 30 मई तक अप्लाई कर सकते हैं इसको। उसके बाद वाला जो भी नोटिफिकेशन होगा यहाँ पे अपडेट होगा, यहाँ पे ध्यान रहे, यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशन दिया हुआ है और यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिया है, PhD प्रोग्राम है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे स्पॉन्सर है और ए कैटेगरी बी कैटेगरी है यहाँ पे, तो देख सकते हैं, और स्पेशलाइजेशन है यहाँ पे, तो आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे और फॉर्म को भर कर अप्लाई कर सकते हैं। ये पूरा डिटेल्स इन्फॉर्मेशन है, वो आप इसे भर दें तो बेहतर रहेगा, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला रहेगा, ठीक है। ये हो गया, अब कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये देख लीजिएगा अपने अनुसार एक बार इसको पूरा से रीड करके तब अप्लाई कीजिएगा तो बेहतर होगा। ये देखिए सीट है यहाँ पे, नंबर ऑफ सीट है टोटल देख लीजिए यहाँ पे, तो बता देते हैं। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में 11 सीट है,
आर्किटेक्चर में रीजनल प्लानिंग में आपको 5 सीटें हैं, केमिस्ट्री में भी 5 है, सिविल इंजीनियरिंग में 11 है, कंप्यूटर साइंस में आपको 7 है, और अर्थ साइंस में आपको 3 है, अर्थ साइंस में, और आपको इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में 11 है, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेली कम्युनिकेशन में 7 है, ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस में 2 निकला हुआ है, ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस में 2 है, और इन प्लानिंग में यहाँ पे 7 दिया हुआ है, यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पे 8 है, और माइनिंग इंजीनियरिंग में 5 है, इन फिजिक्स में आपको 6 है, इसी तरह से कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 1 है, और सिमेगेस कोई है उसमें 1 है, और स्कूल ऑफ BLS टेक्नोलॉजी है उसमें भी 1 है, और स्कूल ऑफ कम्युनिटी एंड टेक्नोलॉजी में है 1 है, और इसके बाद स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में भी रोबोटिक में 1 सीट है, टोटल 100 सीटें यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो 100 सीटें निकली हुई है, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, और तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इम्पोर्टेंट फी है एडमिशन के समय में दिया गया है, ये सब तो रहता ही है, और कोई इन्फॉर्मेशन हो इम्पोर्टेंट तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें, ये देखिए इम्पोर्टेंट है, आपको स्पॉन्सर का सर्टिफिकेट इस तरह से होना चाहिए, इस फॉर्मेट में होना चाहिए, हालांकि मिलता होगा इसी फॉर्मेट में, अब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए, और इसके पास स्पॉन्सर जो है कैटेगरी बी वाला भी ये भी होना चाहिए आपके पास, और स्पॉन्सर कैटेगरी प्रोजेक्ट वाला है, प्रोजेक्ट के तहत अप्लाई कीजिएगा तो भी होना चाहिए, ये सब आपके पास होना चाहिए तब आप अप्लाई कर सकते हैं अगर स्पॉन्सर द्वारा करना चाहते हैं तो। ए रहा पीजीडी से रिलेटेड इस तरह के अपडेट के लिए आप देखते रहिए यूनिवर्सिटी न्यूज़, मिलते हैं एक नए अपडेट में एक नए वीडियो में, आज बस इतना ही, थैंक यू वॉचिंग यूनिवर्सिटी न्यूज़।